हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। सो मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने आई हूँ, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने आई हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, कुछ दिन पहले मैं अपने घर का सारा फर्नीचर का काम करवाई हूँ, क्या क्या बनवाई हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर भी करी हूँ अपने ब्लॉग में। तो इसके बाद भी मैं वो एक होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद एक किचन टूर भी मैं शेयर करूँगी। बहुत जल्दी शेयर करने का प्लानिंग चल रहा है, तो थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को पता ही है। चैनल को, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बगल में जो छोटे से बेल आइकन है ना, उसे प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करके ज़रूर से रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ये सारे वीडियो बना के अपलोड करूँ तो आप लोग मेरा वीडियो को मिस ना करें और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। था तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, जल्दी जल्दी सब स्टार्ट करती हूँ और सब कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या परचेज़ की हूँ इन दिनों में। अब फटाफट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या परचेज़ की हूँ। कुछ कुछ फर्नीचर रिलेटेड है और कुछ 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 ज़रूरत के, सारे ही ज़रूरत के सामान है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं परचेज़ करी हूँ। तो चलिए एक एक करके दिखा देती हूँ। और आप लोग देखिए, अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस सारे पैकेजिंग को अभी तक नहीं खोली हूँ। तो देख लिए, तो चलिए अब एक एक पैकेजिंग खोलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये खोलते हैं और इसमें क्या आया है मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप लोग देखिए कितना सारा पार्सल आया है। तो सब आके एक साथ रखा हुआ था, अभी तक मैंने इसे मैंने ये सारे पैकेजिंग को अभी तक खोला नहीं है, तो इसके अंदर क्या है मुझे अभी पता नहीं है। तो चलिए एक एक खोलती और आप लोग ऐसा शेयर करती हूँ। तो ये है वॉशिंग मशीन का कवर है ये, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा वॉशिंग मशीन बैल्कनी में रहता है तो बहुत ज़्यादा धूल आता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसीलिए मैं वॉशिंग मशीन का एक कवर ऑर्डर की थी। तो ये है वॉशिंग मशीन का कवर, मैं जब पहनाऊँगी तब मैं इसको आप लोगों को दिखा दूँगी कि ये कैसा है। अभी मैं नहीं खोल रही हूँ, अभी खोलूँगी तो सब वापस मुझे फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो जब मैं इसको पहनाऊँगी वॉशिंग मशीन का, जब मैं कवर लगाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अगर ये सारे पैकेट्स मैं खोल लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो पहले ये सारे पैकेट्स को खोल के मैं रख लेती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबका पैकेट मैंने खोल लिया है, अब मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये आयरन कवर, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, देखते ही मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। और ये इस तरह से है, तो देखिए आयरन का पूरा आयरन का सेप बना हुआ है, देखिए इस तरह से है। आप इसमें आराम से आयरन रख के कवर में रख सकते हैं, अगर आप कोई ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर आयरन रख दीजिए और आराम से आप इसको चेन बंद करके कवर्ड के अंदर रख दीजिए, या आप कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से अपने सूटकेस पे भी रख सकते हैं। तो अच्छा है ना, मुझे बहुत पसंद आया। तो आयरन का डब्बा वगैरह बहुत दिन तक जाता नहीं है, बार बार निकालो अंदर रखो, मैं डब्बा तो टूट ही जाता है। तो आप आराम से इसके अंदर रखोगे तो आपका एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। आप इसको चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, तो तब भी देखने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने एक ये ऑर्डर दिया है। दूसरा है ये पानी का बॉटल, ये एक्चुअली मीशो से नहीं ऑर्डर किया है, ये एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो मैं दिखाती हूँ ये पानी का बॉटल, ये दो मैंने ऑर्डर किया है, एक मेरा है एक चिकेंडू का है। तो हम दोनों का दो बॉटल मैंने ऑर्डर किया है। तो देखिए एक ये वाला ब्लू कलर है और ऐसा ही सेम पूरा ब्लैक है, वो भी मैं आप लोग को एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो देखिए ये ऐसा इसका ढक्कन है,
और ये रहा, इसमें मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रही हूँ तो ये ऐसा है। पानी कितना देर तक ठंडा रहता है मुझे भी आइडिया नहीं है, तो आज मैं इसको धो के यूज़ करूँगी और देखूँगी कितना दिन तक ठंडा रहता है। और बॉटल भी काफ़ी हल्का है और अच्छा भी है। एक्चुअली ऊपर में भैया भाभी यूज़ करते हैं, उनका ही मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगा, और सुकिंदु को भी ये बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने दो ऑर्डर किया है, एक मेरा एक उसका। तो इसी तरह का एक ब्लैक भी है, मैं आप लोग को वो भी एक बार खोल के दिखा देती हूँ। खोलना तो मुझे है ही, तो मैं खोल के दिखा ही देती हूँ आप लोग को। तो देखिए ये एक ब्लैक है और ये एक ब्लू है। तो मैं कौन सा लेती हूँ और सुगंध को कौन सा देती हूँ वो मैं बाद में देखूँगी। तो ये बॉटल भी बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने दोनों के लिए एक एक ऑर्डर कर दिया। तो देखते हैं कौन क्या लेता है और मैंने क्या ऑर्डर किया है। डाइनिंग सेट के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए मैंने ये एक मैट ऑर्डर किया है। तो आप लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, आप लोग देखे हैं कि नहीं, हम लोगों के एनिवर्सरी में भैया भाभी ने हम लोगों को एक डाइनिंग टेबल दिया था, तो उसी के लिए मैं दिखाऊंगी सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी एक एक करके क्या क्या फर्नीचर मैंने बनाया है और क्या क्या मैंने ख़रीदा। ख़रीदा तो मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ बनवाया ही है, और डाइनिंग टेबल सिर्फ गिफ्ट में आया था। तो उसी के लिए मैंने एक ये मैट खरीदा है। तो देखिए पूरा प्लास्टिक मैट है, पीवीसी मैट है ये, और इसको आप आराम से पोंछ के धो के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से है, जब मैं लगाऊंगी तभी मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी, ऐसे अभी खोल के पूरा मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो बस यही है। और एक मैंने ये भी डाइनिंग टेबल मैट है, तो ये भी मैंने ऑर्डर किया था। आप लोगों को पता है मैंने फ्रिज के लिए एक बार लिया था, तो वैसा ही है सेम। मैं एक आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। ये 6 पीस का मैट है, सिंगल मैट। तो देखिए ऐसा है, बहुत पतला। इसका पहले जो मैंने ऑर्डर किया था वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और अच्छा था, ये बहुत ज़्यादा पतला है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है। ठीक है, अभी एक दो बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में चेंज करूँगी। उसके बाद मैं एक ली हूँ, ये किचन मैट है, पूरा एक लंबा वाला है। ये भी मैं आप लोगों को जब लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिएगा ये सब देखने के लिए। ये सब मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग में ही दिखाऊंगी, तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये एक लंबा सा मैट है, ये किचन के कलर का ही मैंने मंगवाया है। आप लोगों को पता है किचन मेरा रेड कलर का ही है, रेड एंड वाइट पर मिक्स है, तो उसी से मैच करते हुए मैंने ये एक लंबा सा मंगवाया है। एक ये है और एक छोटा वाला है, जो मैं अपने जहाँ पे मेरा सिंक रखा हुआ है मैं वहाँ पे लगाऊंगी इसको। तो जब मैं लगाऊंगी इसको मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर से आप लोगों के साथ, ये सब मैं सब कुछ शेयर करूंगी। तो ये हो गया। उसके बाद मैं स्पेंसर गई थी, तो स्पेंसर से मैंने एक इडली मेकर लिया है। तो ये है इडली मेकर, जो जो मैंने शॉपिंग किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस। तो ये इडली मेकर भी मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी कि मुझे लेना है। तो फाइनली उस दिन मम्मी आई हुई थी, तो मम्मी लोग के साथ गई थी स्पेंसर, तो उस दिन मैंने ले लिया, मुझे दिख गया था। इसके पहले भी मैं एक बार स्पेंसर गई थी, तब मुझे ये मिला नहीं था, सेल हो गया था सब। तो मम्मी लोग आई थी, जब मैं मम्मी लोग के साथ गई थी स्पेंसर, तो मुझे ये सामने ही दिख गया, तो कुछ सोची नहीं और ले ली मैंने, और कुछ सोचा नहीं और ले लिया, क्योंकि बहुत दिन से मेरा मन था ये लेने का, क्योंकि इडली विडली बनाते हैं या ढोकला भी बनाते हैं कभी कदा तो चाहिए होता है इसीलिए। तो देखिए ये इस तरह से दिया है, और ये है इडली का संचा, मतलब इडली मेकर है। ये खुला नहीं है, अभी नहीं खुला है।
तो ये इस तरह से तीन तीन प्लेट है इसमें, मतलब एक ही बार में चार चार आठ और बारह इडली बन जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे लेना है लेना है लेना है, फाइनली मैंने ले लिया। तो बस तो चलिए ये सबको अभी पहले अंदर रख देती हूँ, मतलब वापस से अरेंज कर देती, वापस से सब अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि खोलना फैलाना तो बहुत आसान होता है, फिर अरेंज करके भी रखना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, आप लोगों के साथ शेयर करना था, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था शेयर करना, फाइनली मैंने आज शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। और तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करती है। इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करके रखिए, उसके बगल में छोटे से बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जा रहा, मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करे। तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और ये सब मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करूँगी ये भी मैं आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो लेके। आज के लिए टाटा बाय बाय।